उधम सिंह नगर में भूमि आवंटित कराए जाने की मांग को लेकर रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नीरज खैरवाल को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड में भाजपा सरकार का 2 माह का कार्यकाल हो चुका है संपन्न, जिसे बताया जा रहा है निराशाजनक। उधम सिंह नगर के डीएम नीरज खैरवाल अपने कार्यालय में ही बैठकर कलेक्ट्रेट के सभी पटलों की रखेंगे निगरानी। रुद्रपुर के होटल में संपन्न हुई यूथ कांग्रेस बैठक। दिनेशपुर में ग्रामीणों ने लगाए ग्राम प्रधान पर मनमानी करने का आरोप। उधम सिंह नगर के भूमिहीनों ने खुरपिया फार्म में सीलिंग की भूमि पर पात्र भूमिहीनों को भूमिहीन प्रमाण पत्र जारी कर भूमि आवंटित कराए जाने की मांग को लेकर रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल को सौंपा। इस पर उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 में लगातार भूमिहीन अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा लगातार भूमिहीनों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर भूमिहीनों से भूमिहीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिए गए, जो मात्र एक छलावा था। मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि खुरपिया व प्रयाग फार्म की भूमि पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीलिंग में निकली भूमि पर भूमिहीनों का अधिकार है। लंबे समय से हम खुरपिया फार्म और प्रयाग फार्म भूमिहीनों के लिए मांग कर रहे हैं कि सीलिंग से निकाली भूमि भूमिहीनों को दिया जाए। पिछली सरकार से भी मांगते रहे, लेकिन कुछ हमारे हाथ से नहीं लगा। अब मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे हम लोगों ने बीजेपी को समर्थन किया था, हमारे संरक्षक भी दोनों संरक्षक बीजेपी के ही हैं, दोनों विधायक हैं, एक विकास नगर से हैं, एक किच्छा विधानसभा से हैं, तो हम आशा करते हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री हमारे इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रही हूँ, इसमें हमारी मांगे हैं सारी, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री हमारी समस्या को सुनकर उसमें भूमिहीनों को जमीन आवंटित करने का जैसा स्थिति निर्देश देंगे। हमारी समस्या से अवगत कराया कि हम इतने वर्षों से लड़ रहे हैं, और हमारी एक ही मांग है, जमीन दीजिए और भूमिहीनों को भूमिहीन प्रमाण पत्र दीजिए। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बने लगभग 2 माह का समय हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में विकास का पहिया बहुत हल्के चल रहा है। रुद्रपुर के लोगों का कहना है कि उत्तराखंड की जनता को भाजपा की सरकार से काफी उम्मीदें थी कि सरकार बनने के बाद तेजी से सूबे का विकास होगा, मगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को 2 माह का समय हो गया है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के CM पद की शपथ लेने के बाद से ही तेजी से निर्णय ले रहे हैं और किसानों का कर्जा माफ कर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार का 2 माह का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। कोई उम्मीद नहीं है, लग रहा कोई काम नहीं हो रहा, किसानों के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, और हमारे उत्तरांचल से बढ़िया यूपी में हो रहा है। जो योगी जी ने किया, एकदम एक्शन कर रहे हर काम का। किसानों के लिए ऋण माफ किया और गौ रक्षा के लिए भी उन्होंने इतना कर दिया, यहाँ कुछ नहीं हो रहा किसानों के लिए, तो कुछ नहीं है। मोदी जी जो आए थे, उन्होंने कहा था कि हम अगर सरकार बनेगी हमारी तो हम लोन कर्जे माफ़ करेंगे। यूपी वालों ने कर दिया, उत्तरांचल में कोई माफ़ नहीं हुआ। डबल इंजन वो कह रहे थे, डबल इंजन क्या, ये तो एक इंजन भी फेल हो रहा है यहाँ पर, जो सिंगल इंजन है, कुछ नहीं। ये हिसाब से तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं रहेगा। 2 महीने में यूपी सरकार ने कितना कर दिया और इनका क्या उम्मीद है, इन्होंने तो आज तक हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कुछ कर रहे हैं। लोगों को उम्मीदें तो बहुत थी भाजपा सरकार से, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तो हमें कोई अच्छी लग नहीं रही है उनकी, मतलब जो सरकार चला रहे हैं। हमें तो ये सोच रहे थे कि जैसे योगी जी सरकार चला रहे हैं एक्शन में, फुल एक्शन में, ऐसी सरकार चलनी चाहिए हमारे यहाँ।
किसानों के लिए उनका पेमेंट समय से होना चाहिए, खादों के दाम कम होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। उम्मीद तो थी बहुत अच्छा काम करेंगे, और जब से यहाँ पे कुछ हुआ है यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, और राशन से लेके हर चीज़ से महंगाई बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं ये देख रही हूँ इससे अच्छा तो हमारे वहाँ पे अच्छा है जो वो काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। बस हम तो सोचे थे इतने प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आई है और कुछ धरातल पे काम दिखाई देंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं नज़र आया नहीं। और जहाँ तक कंपेयर करें योगी जी से तो यहाँ तो ऐसा कुछ कहीं तक मुझे तो कोई वो वाली बात इसमें दिखी नहीं मुझे तो, कहीं जिसमें कहीं भी ना उद्योग धंधे की कोई नीति दिखाई दे रही है, ना हमारे CM साहब कहीं नज़र आते हैं। और बात तो करते हैं कि गरीबों के लिए सरकार आई है, गरीबों के द्वारा चुनी हुई सरकार आई है, लेकिन ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। गरीब बेचारे परेशान हैं, कोई राशन के लिए परेशान हो रहा है, उसको राशन नहीं मिल पा रहा, कह रहे हैं हमारी कटौती कर दी, ना कहीं उसमें चीनी मिट्टी तेल का कहीं कोई पता लग रहा है। महंगाई का जहाँ तक बात है, महंगाई का मुझे अभी तक कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। उम्मीदें तो बहुत थी सरकार से, भाई इतना प्रचंड बहुमत से दिया, लोगों ने समर्थन किया है, और कंपेरिजन अगर देखें हम अगर UP गवर्नमेंट से, तो यहाँ बिल्कुल हमारे CM साहब कहीं नज़र नहीं आते हैं, एक आध जगह फोटो में कहीं दिख जाते हैं, नहीं तो वैसे कहीं धरातल पर काम करते हुए नज़र नहीं आते। ये भाजपा की सरकार के लिए किसानों में बड़ा उत्साह था कि जिस प्रकार से पहली कांग्रेस सरकार ने किसानों का जो उत्पीड़न किया है, जो शोषण हुआ है, हो सकता है कि भाई भाजपा की सरकार में बहुत बढ़िया तरीके से किसानों की जो समस्याएं हैं, गन्ने का भुगतान है, धान का भुगतान है, फसल का अपडेट पेमेंट हो जाएगा, तो 2 महीने में तो कहीं पे लगता नहीं कि भाई उस सरकार में कोई अंतर है। किसानों की शुरू से मांग रही है कि भाई बिजली के जो कीमत है वो कम रखी जाए, लेकिन उसके अनुरूप ऐसा हुआ नहीं कहीं पर भी, और उसकी तहत जो है बिजली के रेट और बढ़ा दिए गए हैं, और उससे किसानों को नुकसान ही होगा क्योंकि डीजल के रेट भी महंगे हुए हैं, उर्वरक महंगे हुए हैं, और इसी प्रकार अगर बिजली का भी, क्योंकि 3 जिलों में खेती होती है और बहुत कम संख्या में ट्यूबवेलों की संख्या यहाँ किसानों के पास में, अगर बिजली के रेट भी बढ़ते जाएंगे तो किसान का लागत मूल्य बढ़ जाएगा। सरकार से उम्मीद तो बहुत थी हमें, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि किसानों के हित में कोई काम करे, लेकिन 2 महीने में कहीं लगता नहीं कि किसानों के हित में कोई कार्य करती हुई सरकार दिखाई दे रही है। उधम सिंह नगर के DM नीरज खैरवाल ने कलेक्ट्रेट को CCTV कैमरे से लैस करा दिया है। अब DM अपने कार्यालय में ही बैठकर कलेक्ट्रेट के सभी पटलों की निगरानी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तहसीलों को बायोमेट्रिक से लैस करके उसे कलेक्ट्रेट से जोड़ा जाएगा। वह अपने दफ्तर में बैठकर ही सभी तहसीलों की उपस्थिति का निरीक्षण कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट में सभी कक्षों में CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। बताया कि 20 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनका डिस्प्ले उनके दफ्तर से लगी TV स्क्रीन पर हो रही है। वह अपने दफ्तर में ही बैठकर पूरे कलेक्ट्रेट की निगरानी कर सकेंगे। साथ ही बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी CCTV कैमरा लगाया गया है, ताकि कभी भी उसके फुटेज चेक किए जा सके। कलेक्ट्रेट में भी CCTV कैमरे लग चुके हैं, बायोमेट्रिक अभी लगाए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक जो है आधार बेस लगाए जा रहे हैं सारी तहसीलों में और कलेक्ट्रेट में साथ में। उसका पर्पज़ है कि तहसील में जो हमारे बायोमेट्रिक लगेंगे उनको हम यहाँ बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं कि आज 10:30 अगर 30 मिनट पर हम देखना चाहें तो किस तहसील में कितने कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर उसमें हाजिरी लगाई गई है। CCTV कैमरा कलेक्ट्रेट के अंदर भी फेज़ वाइज मैनेजर में लगाया जा रहा है, जिसके अंदर तकरीबन हमारे 20+ कैमरे लग गए हैं। उनका पर्पज़ है कि टोटली हमारे जितना भी कलेक्ट्रेट में सारी जगह CCTV कैमरे लग जाएंगे, तो जहाँ पर कोई गतिविधि अगर कोई कर्मचारी हैं अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। रुद्रपुर के एक होटल में यूथ कांग्रेस के उधम सिंह नगर और नैनीताल विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने की, जिसमें भुवन कापड़ी ने कहा कि युवा कार्यकर्ता वार्ड, गांव, ब्लॉक और नगर स्तर पर जनता के हक की लड़ाई लड़ें, भाजपा सरकार के हर गलत का निर्णय का खुलकर विरोध करें। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बने अभी 2 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और सरकार ने बिजली व पानी के दरों में बढ़ोतरी कर दी है। कहा कि भाजपा का जनविरोध चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने कहा यूथ कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम कराए जाएंगे, साथ ही नए नौजवानों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए आज हमारी जो है नैनीताल लोकसभा यूथ कांग्रेस की बैठक है, जिसमें इस विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ जिसकी जो भूमिका रही, क्या कमियाँ रह गई यूथ कांग्रेस और क्या बेहतर कर सकती है, उस पर हमने चर्चा करी। उसके साथ ही
आने वाले समय में यूथ कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए। साथ ही हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म का शताब्दी वर्ष है, तो हम इंदिरा गांधी जी के इतिहास को, कांग्रेस के इतिहास को और इस देश के इतिहास को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से, बाल विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आज के युवाओं के बीच ले जाने का काम और कैसे हम इसको ले जाएंगे इस पर चर्चा कर रहे हैं। जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, सभी के घर में शौचालय बने और कोई भी बाहर शौच करने के लिए न जाए, वहीं दूसरी ओर दिनेशपुर के ग्राम अमृत नगर में ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर है। यहां के ग्रामीणों को स्वच्छ भारत के तहत शौचालय तो मिले, लेकिन ग्राम प्रधान की मनमानी के आगे पूरे नहीं हो पाए। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा सिर्फ चार दीवारी खड़ी कर दी गई है और खड़ा करके हमारे घर के सदस्यों का फोटो खींचकर ले गए हैं। कागजों में तो शौचालय पूरे और दिखा दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर एक भी शौचालय मौजूद नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जब हम ग्राम प्रधान के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं कि हमारे घरों में जो आधे अधूरे शौचालय बनाए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, तो ग्राम प्रधान हमसे पैसे की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे पैसे दोगे तभी जो आधे अधूरे शौचालय हैं तभी मैं उनको पूरा कर पाऊंगा। पूरा आने ही रहे करने ये प्रधान दिया बस चल दिया। अरे ये हमारा बहू को यह खड़ा करके उनके उनका फोटो भी ले गया। अरे लिखा हुआ है ये लिख के चले गया, पैसा भी ले लिया। कितने पैसे लिया बार हमसे पैसा नहीं लिया, लेकिन वो बना के दे रहा है ना, 12,000 रुपये आ रहा है ऊपर से, वो बना के दे। कोई पैसे नहीं लाए हैं और 12,000 रुपया दाए हैं, हमारे ऊपर ऐसी ओप लगा रहे हैं जी। हमने कोई पैसे नहीं लाए हैं और शौचालय पैसे हमको मिल नहीं रहे हैं कि खाते में पैसे आएंगे, लेबर के खाते में पैसे आएंगे जाता है, उनके खाते में आएगा लेबर के। लेकिन ग्रामीणों करिए एम बी उनकी तो लेबर के खाते में ही आएगा पैसा, हमको तो कुछ नहीं मिलता वो तो है। इनमें जो है ये पैसा लेना नहीं चाहिए था, ये सरकार की तरफ से शौचालय बनाने के लिए दिया गया है, ये शौचालय बनाया जाए और जो बाकी काम है जैसे नल का हो गया, ये तालाब का हो गया, इन कामों को जो है अपने जिम्मेदारी के साथ वो निभाए, लेकिन इनमें ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे 10-12 दिहाड़ी लगाया जा रहा है और उसके बाद में 80-90 हज़ार रुपये जो है खा जा रहे हैं। शौचालय का मतलब जैसे रिंग डाल के बनाया जा रहा है, जबकि रिंग डाल के बनाने का कोई अथॉरिटी नहीं है। इसके लिए भी 500 रुपये लिया जा रहा है शुरुआत में फार्म भरते समय, और बाद में जब इनका कंप्लीट हो रहा है, जैसे उनका चेक आ रहा है या मतलब पैसा आ रहा है, उस समय इनसे 2,000 रुपये करके और लिया जा रहा है। और सभापति के पास गया तो हमारा पैसा तक से तुम्हारा कागज डला दिया, तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। कौन है सभापति? आज जो शौचालय के लिए शौचालय बन रहा था तो आपको मिला उसका पैसा? शौचालय बना आपका? नहीं नहीं नहीं। प्रधान के पास गया, क्या बोला प्रधान? प्रधान कह रहे अरे तुम्हारा तो पुराना नेटिंग है, तुम्हारा क्या देंगे। हाँ, कितने लोग हैं आपके घर में कमाने वाले? हमारा कमाने वाला कोई नहीं, हमारा लड़का भी गुजर गया, स्वामी भी गुजर गया। हाँ, आप क्या करते हो? अब वो भी सिटकली में जाता है काम में, मैं गांव में थोड़ा।